जब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना था, मैं बिदर कलबुर्गी रेलवे लाइन के लोकार्पण के लिए भी आपके बीच आया था। समय के साथ बिदर के लोगों का अपनापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है, ई बारिया निर्धारा, बहुमतदा बीजेपी सरकारा। कर्नाटक का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है, और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। विकसित कर्नाटक यानी कर्नाटक के हर अंचल का संतुलित विकास, विकसित कर्नाटक यानी राज्य में विकास के ढेर सारे ग्रोथ सेंटर्स। कर्नाटक की जनता अब अपने इस सपने से पीछे नहीं हटना चाहती। मैं जानता हूं आप सब एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे। आप एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो। आप एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चले। आप एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं हो। पिछले 5 वर्षों में सामान्य मानवी ने कर्नाटक में विकास की जो रफ्तार देखी है, उसके बाद वो रुकना नहीं चाहते, और आपके इस सपने को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। साथियों, कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहां डबल इंजन सरकार का बने रहना बहुत जरूरी है। जब केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार की डबल शक्ति लगेगी तो कर्नाटक को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। डबल इंजन सरकार से जो फायदा होता है उसका एक उदाहरण कर्नाटक में आया विदेशी निवेश है। भाजपा सरकार की वजह से देश में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से कर्नाटक में भी रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था।
बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। और आपको ध्यान रखना है, ये उपलब्धि के किस समय हुई? इतना बड़ा महामारी का संकट था, युद्ध चल रहे थे, उसके बावजूद भी ये हासिल किया है। साथियों, डबल इंजन का सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार नहीं थी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सालों लग जाते थे। पानी की कमी क्या होती है ये कर्नाटका के किसानों, यहां की माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कांग्रेस सरकार उसके समय देश भर में 100 से ज्यादा ऐसी सिंचाई योजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी।